किसी को सस्पेंड करने के लिए नहीं कहा, मैंने तो केवल मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि लगातार 3 मीटिंगों से एसपी होता है वहाँ नहीं आ रही है। पहली में नहीं आई तो हमने इग्नोर किया, दूसरी में नहीं आई हमने इग्नोर किया, हमने कहा कोई किसी का जरूरी काम भी हो सकता है। लेकिन जब वो लगातार 3 बार नहीं आई तो मैंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया, क्योंकि ये ग्रीवेंस कमेटी एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जिले के लोगों की जो लंबित मांगे होती हैं उनका निपटारा किया जाता है और पुलिस विभाग की शिकायतें बहुत ज़्यादा आती हैं, और ऐसे में अगर एसपी गैर हाजिर रहे तो लोगों को सही ढंग से समस्याओं का निपटान नहीं हो पाता है। तो मुख्यमंत्री जी ने उसका फैसला किया, उसका ट्रांसफर किया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, कांग्रेस तो अपने निम्नतम स्तर पर है आज, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, घटिया शब्दावली का प्रयोग करते हैं, घटिया बातें करते हैं और बिना मतलब बातों को तूल देते हैं। हमने संगीता कालिया को पानीपत जैसे महत्वपूर्ण जिले में एसपी लगाया तो हमने तो कोई विरोध नहीं किया उसका। अब अगर वो नहीं आएगी और लोगों का काम प्रभावित होगा तो कांग्रेस को तकलीफ होती है इस बात की। मुख्यमंत्री को कंप्लेंट करेंगे, कॉल नहीं है, हमारी कोई मीटिंग नहीं है, तो मैं डेफिनेटली उसको अटेंड करूंगी। और अगर कोई कारण जिस तरीके से हो जाते हैं, अगर कोई चंडीगढ़ में मीटिंग है या इससे भी कोई ज्यादा जरूरी बात है, क्योंकि ऑलरेडी जो भी हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसपी रैंक में ही, अगर मैं छुट्टी पे थी पिछली बार तो एसपी करनाल यहाँ पर थे, और हमारे जिले में भी ऐसा नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन में कोई कमी रही हो किसी तरीके से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ जिले में हूँ और अटेंड नहीं करूँगी। मौजूदा एसपी संगीता कालिया और प्रदेश के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज का विवाद एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में है। हम आपको बता दें कि जब नई सरकार बीजेपी की हरियाणा में बनी थी 2015 का यह मामला है, जब फतेहाबाद में कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे थे प्रदेश के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज। उस दौरान फतेहाबाद की महिला एसपी संगीता कालिया के साथ उनका कष्ट निवारण समिति में एक विवाद हो गया था, जिसमें आपने तस्वीरें लाइव देखी करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर कि किस तरह से दोनों आपस में जो है बहस करते हुए नजर आ रहे थे, और जिसके बाद जब गेट आउट जो है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एसपी को कहा तो उसके बाद एसपी मौके पर मौजूद रही लेकिन वह बाहर नहीं गई, जिसके बाद खुद जो है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जो है कष्ट निवारण समिति बैठक को जो है छोड़कर बाहर चले गए, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक ये एसपी कष्ट निवारण समिति में रहेंगी वह कष्ट निवारण समिति में फतेहाबाद नहीं जाएंगे। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद जो है एसपी का ट्रांसफर भी कर दिया गया था, जो मामला काफी सुर्खियों में रहा था और दोनों का विवाद काफी दिन जो है मीडिया में छाया रहा था। लेकिन अब पानीपत की एसपी संगीता कालिया जो अभी हाल ही में ट्रांसफर होकर पानीपत आई है, और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जो अब कष्ट निवारण समिति की बैठक पानीपत लेने जाते हैं, तो पिछली 2 बैठकों से लगातार पानीपत की एसपी बैठक में नहीं जा रही है, जबकि पानीपत की मीडिया द्वारा पिछले हफ्ते भी संगीता कालिया जो पानीपत की एसपी है उनसे पूछा गया था कि क्या आप अगली होने वाली कष्ट निवारण समिति की बैठक में जाएंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ऐसा कुछ उस मीटिंग में नहीं है लेकिन वह जरूर जाएंगे अगर वह शहर में
नहीं होती किसी कारणवश उनको चंडीगढ़ जाना पड़ जाता है तो वह नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दो बार जब से संगीता कालिया ट्रांसफर होकर पानीपत पहुंची है दोनों बार वह मीटिंग में नहीं जा पाई है। हालांकि इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला मीडिया में फिर दोबारा से 3 साल बाद सुर्खियों में आता हुआ नजर आ रहा है 2015 के बाद। अब किस तरह से 2018 में यह मामला और एक बार विवाद खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, पानीपत। काम कर रही है तो शराब क्यों बिक रही है? काम कर रही है। 2500 पर्चे हम इस साल 2500 पर्चे कर रहे हैं, पर्चा काट के शराब को फिर बिकती है। आपका काम हम तो रोकना, हमारा काम कितना उसमें आ रहा है हम कर ही रहे हैं, बस तोड़ वाला आ रहा है। आपके सामने बता रहे हैं एक बिक रही है वहाँ पे, वो तो सर जमानत पे आके फिर बेचना शुरू कर देगा। मैं किसकी जिम्मेदारी रोक रहा हूँ सर? हम थोड़ी इंतजाम से थोड़ी ना मानते हो, तो आगे फिर करेगा अपना काम शुरू। आप भी पा रहे हो मतलब तो ये हो गया ना, मतलब पुलिस भी पा रही है। अगर आपकी ये सोच है तो आप पिछले बैठे खुशी को शराब सरकार जो पा रही है, सरकार को पा रही है सोच है, शराब सरकार जो पा रही है, सरकार को पा रही है, सरकार को कह दो आप आगे ना जाए यार, हम भी पीछे खड़े हैं। मार दे यार तब आगे हो, हम भी खड़े हैं किसी धक्का मार। नहीं सरकार सरकार जायज देती है, नजायज थोड़ी बोलती है। हम नहीं बिकवा रहे सर, हम पर जो आप भी बिकवा रहे हो। नहीं सर ये गलत बात आप, मैंने किया मैं जरूर सरकार आप मिट्टी के आप मिट्टी के पहले पे चलिए यार से पेट्रो बाय लीगल आई कैन आई विल नॉट लीव हाउ यू लीव यार उसको ठंडा रहा है सर 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 नमस्कार। जिस तरह से आपने 2015 की तस्वीरें भी देखी, किस तरह से यह मामला गरमाता हुआ सुर्खियों में नजर आया, हम बता दें कि 2015 में जब स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज कष्ट निवारण समिति की बैठक करने गए थे, वहीं एसपी और डीएसपी भी मौजूद थे, वहीं एसपी और अनिल विज के बीच में कुछ तूतू-मैमे हुई, जिसके चलते यह विवाद कहीं ना कहीं बढ़ गया। अनिल विज ने जब एसपी को बोला कि आप बाहर जाइए तो वह बाहर नहीं गई, और इस वजह से अनिल विज को खुद ही उठकर बाहर चले गए। और जैसा कि आपने कल वाली तस्वीरों में भी देखा कष्ट निवारण समिति की, हम बता दें कि कुछ ही टाइम पहले इनकी ट्रांसफर हुई है, एसपी की ट्रांसफर हुई है, और पानीपत में लगातार 2 मीटिंग से ये बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कल जो कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई थी वहां पर भी एसपी जो है वो मौजूद नहीं थी। अनिल विज ने कहा कि इनकी शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी। मनका हसीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज जब फतेहाबाद गए थे कष्ट निवारण समिति के लिए, वहां पर उस समय की मौजूदा एसपी संगीता कालिया के साथ उनकी तूतू-मैमे हो गई थी, जिसके चलते अनिल विज ने यह कहा था उन्हें कि वे वहां से बाहर जाएं, जबकि वे नहीं गई तो अनिल विज वहां से खुद उठकर चले गए, और उनका यह कहना था कि जब तक ये एसपी यहां है हम यहां वापस नहीं आएंगे। काफी टाइम तक ये मामला उस समय खबरों में रहा था, सुर्खियों में रहा था। वही कल पानीपत में हुई कष्ट निवारण समिति जहां पर अनिल विज गए थे, दोबारा से ये मामला उठता हुआ नजर आ रहा है, जहां पिछले 2 बार से वहां जो एसपी अब ट्रांसफर हो गई थी पानीपत में, वो पिछले 2 कष्ट निवारण समिति में पानीपत में मौजूद नहीं रही, जिसके चलते कल अनिल विज ने जब यह पूछा कि तुम्हारी एसपी कहां है, तो डीएसपी और बाकी अधिकारियों के पास भी उस समय कोई जवाब नहीं था, उन्होंने इस बात को गोलमोल कर दिया, और वही ये कहना था कि इसकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही लापरवाही है कि पिछले 2 कष्ट निवारण समिति में एसपी जो पानीपत की इस समय मौजूदा है वो किसी भी कष्ट निवारण समिति में पिछली 2 बार से नहीं पहुंची। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। पानीपत की एसपी संगीता कालिया का ट्रांसफर भोंसी कर दिया गया है। ये मामला पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में चल रहा है। हम आपको बता दें कि पानीपत में कष्ट निवारण समिति की बैठकों में 3 बार लगातार पानीपत की महिला एसपी संगीता कालिया गैरहाजिर रही, जिसके बाद
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जो कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता वहां पर करते थे, उनको कहीं ना कहीं वह चीज गलत लगी, क्योंकि ज्यादातर शिकायतें पुलिस की ही वहां पर आ रही थी और महिला एसपी खुद जिले की एसपी होने के बावजूद भी वहां से गहरा जिर रही, जिसकी शिकायत स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री से की। हम आपको बता दें कि यह मामला इनका काफी समय पुराना चल रहा है। फतेहाबाद में करीब 3 साल पहले भी यह मामला इनका गरमाया था, जब पानीपत के बाद से पहले फतेहाबाद में महिला एसपी होती थी संगीता कालिया, और उस समय अनिल विज भी जो है वहां पर कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने जाते थे और दोनों की आपस में काफी तू-तू मैं-मैं भी हुई थी, जिसके बाद अब पानीपत में यह विवाद फिर से शुरू हुआ, जिसके बाद 3 बार लगातार कष्ट निवारण समिति की बैठक में संगीता कालिया नहीं पहुंची और मुख्यमंत्री से अनिल विज ने शिकायत की, जिसके बाद ट्रांसफर संगीता कालिया का भूंसी कर दिया गया है, जिस पर अनिल विज ने आज प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने ट्रांसफर के लिए नहीं कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी किया है वह उनके इस फैसले से संतुष्ट है। कमल मिड्डा, हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज, पानीपत।